जिस प्रकार किसी इमारत की गरिमा उसकी शिलाओं से होती है, उसी प्रकार किसी समाज की गरिमा उसकी महिलाओं से होती है। 18 साल की नाजुक उम्र में शादी के बाद एक साधारण सी लड़की कैसे बनी समाज की प्रतिभाशाली महिला? See, I got married when I was 18 years old. मैंने बस अपना 12th पास किया था and I got married. And life was like, you can understand. कॉन्वेंट में पढ़ा कोई बच्चा लड़की और उसका एकदम से शादी 18 इयर्स में हो जाए, मींस मुझे तो लग रहा था मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेजर्ट किया है। घर की जिम्मेदारियों के बावजूद उनकी पढ़ाई और लेखन ने कभी विराम नहीं लिया। इसे देखो, एक लावा है तुम्हारे अंदर, यू टैलेंटेड, यू वेरी टैलेंटेड, तो ये लावा फूट के निकलेगा। जिन्होंने काउंसलिंग करके बचाई कई जिंदगियां और सुसाइड करने की कोशिश करने वालों को डिप्रेशन से भी निकाला। तो ऐसी एक स्टूडेंट थी जो कि जिसने कि सुसाइड कर अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी एंड वो बहुत नाराज थी अपने पेरेंट्स से, एक्चुअली वो अपने आप से नाराज थी। जिनका मानना है कि महिलाओं में आए बदलाव कहीं ना कहीं गलत थी। देखिए, आई मीन दुनिया बदल रही है और रिश्ते बदल रहे हैं एंड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वेरी सॉरी टू से बीइंग अ फीमेल, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन थोड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है, आदमी सनातन से जैसा था वैसा ही है, जो भी बोल लीजिए आप उसको, डोमिनेटिंग बोल दीजिए, डोमिनियरिंग बोल लीजिए, अल्फा मेल बोल लीजिए, वो वैसा ही है। बदलाव आया है महिलाओं में और लड़कियों के सोच में एंड नॉट फॉर द बेटर। आइए मिलते हैं बहुआयामी प्रतिभा की धनी डॉक्टर श्रीमती मेधावे चौरे जी से।